हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ टुडे आई विल स्टार्ट द ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग बॉन्ड एंगल, विच वन इज लार्जर एंड विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज मॉडरेट। द बॉन्ड एंगल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ थ्री मेजर कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन कैलकुलेट बॉन्ड एंगल। सेकेंड, विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर। थर्ड वन, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम। ओके, सो ये एक बातें कल हो चुकी थी और हम आज इसके आगे की बात लेकर के आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन है, अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ, द क्वेश्चन इज दैट अरेंज द बॉन्ड एंगल, अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ BeCl2, BCl3, BeCl2, BCl3, CCl4, बेरिलियम डाइक्लोराइड, बोरान ट्राइक्लोराइड और इन लोगों का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, BeCl2, BCl3 और CCl4, सबसे पहले हम क्या करते हैं बॉन्ड एंगल निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर जेड कितना आएगा, जेड यहाँ पे कितना आएगा, 2, और 2 आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp। ओके, यहाँ पर जेड कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आया तो कैसा हो जाएगा बेटा, sp2। यहाँ पर जेड आएगा 4, और 4 आने का मतलब ये कैसा हो जाएगा, sp3। sp आने का मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, sp2 आने का मतलब बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, sp3 आने का मतलब होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, BeCl2 में, उसके बाद BCl3 में, उसके बाद CCl4 में। तो अगर एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आता है और आपसे पूछता है कि बॉन्ड एंगल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या बॉन्ड एंगल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो आप सबसे पहले ज़्यादा बुद्धि ना लगा करके सबसे पहले उसका जेड निकाल लें, और जेड निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन जैसे पता चलेगा आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी। बात समझ में आ रही है। तो उसने जैसे ही कहा अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ दीज स्पीसीज, हमने सबसे पहले क्या निकाला बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने उसका स्टेरिक नंबर जेड निकाला, उससे हमें निकल जाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन पता हो जाएगा। ओके, नाउ फिर है हमारे पास अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ, अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ NO2 प्लस एंड NO2 माइनस, NO2 प्लस कॉमा NO2 माइनस। तो यहाँ पर देखें बेटा, NO2 प्लस और NO2 माइनस के लिए बॉन्ड एंगल पूछा गया है। तो सबसे पहले हम NO2 प्लस, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं करना है, आप सबसे पहले जेड कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे देखो बेटा, जेड कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और जो प्लस चार्ज होता है वो लेस होता है, तो 5 माइनस 1 4, और 4 बाई 2 2, यहाँ पे 5 प्लस 1 6, और 6 बाई 2 3। तो जैसे ही देखा आपने तो ये 2 आया, 2 आने का मतलब ये sp है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चे वो कैसा होगा, दैट इज sp एंड इट विल लुक लाइक sp2। तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है, NO2 प्लस का ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है, NO2 प्लस का ज़्यादा है। ये आपके वहाँ नेट में AIPMT में कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO2 प्लस एंड NO2 माइनस, नाउ यू सिंपली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ जेड, वी कैन फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, एंड नाउ आफ्टर दैट बॉन्ड एंगल आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इस तरह से हम लोग निकालते हैं। दो चार क्वेश्चन और हैं, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो कराएंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो पहले आराम से बिल्कुल शांति से बैठ करके इसको देख लिया जाए। मेरी क्लास वैसे भी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है, मैक्सिमम 30 मिनट, ठीक है। आराम से आप बैठ करके देखो, बिल्कुल फ्री रहो, माइंड से एकदम फ्री रहोगे, अच्छा सीख के जाओगे यहाँ से। नेक्स्ट है अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ मीथेन अमोनिया एंड वाटर। देख बेटा, मीथेन अमोनिया एंड वाटर, बच्चे लोग समझ नहीं पाते कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, और मैं आपको एक बेसिक गिफ्ट दे रहा हूँ कि आप कुछ ना करें, सबसे पहले क्या निकालें, हाइब्रिडाइजेशन, और कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले आप निकालें हाइब्रिडाइजेशन। तो मीथेन अमोनिया और ये है हमारा यहाँ पे वाटर, समझ में आ रहा है बच्चों।
तो सबसे पहले मीथेन के बारे में जेड निकाल लो, पहले कुछ ना करो। चार सेंट्रल एटम में चार इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट चार, आठ आठ बाई टू फोर, पाँच और तीन, नाइट्रोजन के पास पाँच, हाइड्रोजन के पास एक, और वैसे कितने हाइड्रोजन हैं, तीन, तो पाँच तीन आठ, एट बाई टू। अब यहाँ दिक्कत होगी थोड़ी सी, ऑक्सीजन के पास छः, सिक्स प्लस टू एट, एट बाई टू फोर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो हमने सबसे पहले जेड निकाला, जेड निकाला तो जेड सबका सेम आ गया, जेड सबका क्या आ गया बच्चे, सेम आ गया। और जैसे ही, एक मिनट प्लीज, जैसे ही मैंने इसका जेड निकाला, जेड निकालने के बाद देखा तो सबका जेड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमने यहाँ फिर लोन पेयर की बात की कि लोन पेयर बताओ कितने होंगे, तो लोन पेयर इज इक्वल्स टू जेड माइनस सराउंडिंग एटम, ये होता है फार्मूला। जो लोन पेयर निकालोगे कैसे निकालोगे, जेड की जो वैल्यू आई है वो माइनस दैट व्हाट सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पे जेड फोर है, सराउंडिंग एटम भी कितने हैं, फोर। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे लोन पेयर जीरो आएगा, यहाँ पे जेड फोर है, सराउंडिंग एटम थ्री है, तो यहाँ पे वन आएगा, फोर माइनस टू टू आएगा। तो उसने क्या कहा, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो उस केस में लोन पेयर निकालो, और जिसका लोन पेयर जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही कम, यानी कि वाटर से ज़्यादा अमोनिया, अमोनिया से ज़्यादा मीथेन। आ गया कॉन्सेप्ट, सॉरी ये साउंड यहाँ से हो रहा है, ठीक है, पक्का समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, कभी भी बॉन्ड एंगल पूछेगा अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को एकदम इंसर्ट कर लीजिए कि बॉन्ड एंगल का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, और उससे ज़्यादा एक और काम हो सकता है लोन पेयर निकालना। और लोन पेयर निकालने के लिए यह फार्मूला है आपके पास, लोन पेयर इक्वल टू जेड माइनस सराउंडिंग एटम। बात समझ आ रही ना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़, ये जितना इजली आप लोग सीख रहे हैं उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बनेंगे, पहले ही बार में सेलेक्ट होंगे अगर सही से इसको सीख लिया तो। केमिस्ट्री में कोई रोक नहीं पाएगा 150 160 के पहले। नेक्स्ट जो है, अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 एंड SO3, SO2 क्या है बेटा, SO3 एंड SO2, SO3 एंड SO2, अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ SO3 एंड SO2। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बच्चे लोग, SO3 लिख दिया और SO2 लिख दिया, हम सबसे पहले जेड निकालेंगे, जेड निकालेंगे तो 6, इधर देखो 6, 6 बाई टू 3, क्योंकि ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, यहाँ पर भी 6, 6 बाई टू 3। अब क्या निकालेंगे, लोन पेयर, तो लोन पेयर जेड माइनस सराउंडिंग एटम, 3 माइनस 3 3 माइनस 2, लोन पेयर एक है, यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं, लोन पेयर बढ़ा तो बॉन्ड एंगल घटा, तो SO3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा और SO2 का बॉन्ड एंगल कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का? जितने क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसमें आप लोग इतने प्रसन्न ना हो। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल ऑफ NO3 माइनस NO2 माइनस एंड NO2 प्लस एंड NO2 प्लस, ये निकालना है आपको बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा इसको, देखो बेटा NO3 माइनस NO2 माइनस एंड NO2 प्लस, ये लिखा मैंने। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, अब इतने देर सुनने के बाद सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जेड निकालो, ठीक है, 5 1, इधर देख लो पहले 5 1 6, 6 बाई टू, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ में आ रहा है पक्का, वेरी गुड, 5 1 6, 6 बाई टू 3, 5 माइनस 1 4, 4 बाई टू 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा गौर से देखना, यहाँ पे दो ग्रुप हैं, ये एक पहला ग्रुप है, इस पहले ग्रुप का स्टेरिक नंबर 3 3 आ रहा है, और दूसरे ग्रुप का स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है बच्चे, 2 आ रहा है, तो स्टेरिक नंबर 2 वाला बॉन्ड एंगल ज़्यादा रखेगा स्टेरिक नंबर 3 के रिस्पेक्ट में। अब स्टेरिक नंबर 3 वाले जो हैं, यहाँ पे लोन पेयर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लोन पेयर, तो यहाँ पे लोन पेयर निकालेंगे तो 3 माइनस 3, जेड है 3, सराउंडिंग आइटम भी है 3, तो 0 लोन पेयर, जेड है 3, सराउंडिंग आइटम है 2, तो 1 लोन पेयर। तो सबसे
इसमें और इसमें अगर कंपटीशन कराया जाए तो बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका होगा? NO2 प्लस का, NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होगा, और NO2 माइनस NO2 और NO3 माइनस में किसका ज्यादा होगा? NO3 माइनस का ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका है? NO2 प्लस का। उसके बाद कौन है? NO3 माइनस, और उनके बाद भी कौन है? NO2 माइनस। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इधर देखो, सारी मेहनत बेकार उस समय हो जाती है कि बच्चों के साथ इतना काम किया जाए, उसके बाद भी ये बॉन्ड एंगल का कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग। और उसने पूछ लिया इंक्रीजिंग, आपने पढ़ा था, ऐसे लगा के चले आए। ठीक है, इंक्रीजिंग में रिवर्स हो जाएगा। प्लीज़ ध्यान रखना, दिमाग लगाइए वहाँ पे जहाँ पे फ़ायदा मिले आपको। नेक्स्ट है, अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ NH4 प्लस अमोनिया एंड NH2 माइनस। इसको देखो बेटा, इसके बारे में क्या ख्याल है? NH4 प्लस अमोनिया एंड NH2 माइनस, इसके बारे में आपका NH2 माइनस। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या निकालोगे बच्चों? जेड। जेड कैसे निकालोगे? 5 माइनस 1 4 और प्लस 4 8, यही तो होगा ना। प्लस चार्ज को माइनस करते हैं और माइनस चार्ज को प्लस करते हैं। तो सबसे पहले मोनोवेलेंट पे कितने जो है, सॉरी मोनोवेलेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, ये वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 और प्लस 4 9 माइनस 1 8/2, 5 3 8, 8/2 4, 5 2 7 और 1 8, 8/2 4। तो जेड निकाल दिया। तो इसी तरह से हम लोन पेयर भी निकालने के लिए गए। तो लोन पेयर यहाँ पे 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 2। तो जेड सेम है लेकिन लोन पेयर डिफर कर रहे हैं। तो लोन पेयर जैसे बढ़ाओगे वैसे ही बॉन्ड एंगल घटना पड़ेगा, बॉन्ड एंगल घट जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो घट जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। अब जरा गौर से देखो, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो नाइट्रोजन फैमिली का बॉन्ड एंगल है, द बॉन्ड एंगल ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। पहले ये देखो जरा गौर से बेटा, इसे देखो। जैसे हमारे पास एक एटम है अमोनिया और दूसरा एटम है PH3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जेड की वैल्यू भी यहाँ भी 4 आएगी, यहाँ भी 4 आएगी, आएगी। लोन पेयर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? 1। यहाँ भी कितनी आएगी? 1 आएगी। तो अब ना ही जेड से डिसाइड हो रहा है और ना ही लोन पेयर से डिसाइड हो रहा है। तो इस केस में इन दोनों में सेंट्रल एटम क्या है? डिफरेंट। और सेंट्रल एटम डिफरेंट हैं तो उस केस में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा। कल पढ़ाया था मैंने, सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा पाई जाएगी वहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो आप डायरेक्टली ऐसे कर देते हो, आंसर सही भी हो जाता है, बिल्कुल सही होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से बॉन्ड एंगल क्यों ज़्यादा होता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो दिस इज़ एन नाइट्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है बेटा, एंड दिस वन इज़ द हाइड्रोजन। ये है बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है और एक बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? हाइड्रोजन दे रहा है। मैं इसको सही से बता दूं, अब हमें पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंपेरिजन करा दिया जाए तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मुकाबले बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को पास में बुला लेगा, कहेगा मेरे पास आ जाओ, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। ये भी खींच लेगा और ये भी क्या करेगा? खींच लेगा। और जब लोन पेयर एकदम सेंटर के पास जा कर के बैठ जाएंगे तो इनके बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ जाएगा तो अभी यहाँ पर नहीं रहेंगे, दूर चले जाएंगे। ठीक है, और PH3 को देखोगे तो दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी नाइट्रोजन की थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा बीच में, तो इस केस में रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी
कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा, तो ये ऐसे लिख लोगे बच्चे, मोर रिपल्सन सो मोर बॉन्ड एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोर रिपल्सन सो मोर बॉन्ड एंगल। कितने मिनट दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ एक बार पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते 10 मिनट में बंद हो गया, मैं 1.5 घंटे के बाद आया। ठीक है, मेहनत ख़राब हो जाती है, ये हो गया ना। तो यहाँ पे बेटा लिख लेना, यहाँ पे लेस रिपल्सन, दिस इज द लेस रिपल्सन साइड, इस साइड पे रिपल्सन ही कम है, तो कहाँ से बॉन्ड एंगल को लाओगे? समझ में आया सर? तो अब देखें, अब वहां पे चुप्पे से एक छोटी सी बात लिख ली जाए, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, हाइड्राइड ऑफ, अब ये देखें आप यहां पे हाइड्राइड ऑफ, हाइड्रा मतलब समझ लेना, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, एक दो बार नहीं कई बार आया है। अगर नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड मिल जाएं तो उनको ले आओ। इधर देखो नाइट्रोजन में कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, बिस्मत इतना पास नहीं, बिस्मत थोड़ा दूर लिखा जाए, बिस्मत। अब इसके हाइड्राइड बनाना है, तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 होगा, फास्फोरस का PH3 होगा, AS का ASH3 होगा, SB का SBH3 होगा, और NAP AS सब बाई BIS3 होगा, होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपसे कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बॉन्ड एंगल, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ नाइट्रोजन फैमिली व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब टॉप से बॉटम की ओर नाइट्रोजन फैमिली में मूव कर रहे हो तो बॉन्ड एंगल का रिलेशन क्या होगा। तो अभी आपने देखा था नाइट्रोजन में रिपल्सन ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन को पास में बुला लेगा, और पास में बुलाएगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसका ज़्यादा, फास्फोरस और आर्सेनिक में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बुलाएगा पास में, लेकिन उतना पास नहीं बुला पाएगा जितना इसने बुलाया था, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा। ठीक है, इसकी वैल्यू भी लिख लो, 160 डिग्री होती है, 107 डिग्री, 93 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री, उसका याद नहीं है मुझे। ये है बॉन्ड एंगल की वैल्यू, 107 डिग्री, 93 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री, दिस इज द बॉन्ड एंगल। ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं आप लोग। ये हटा दूं ना मैं, तो हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, कोई कैसा भी कॉन्सेप्ट दे सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे इजीएस्ट वे है, अगर बच्चा सही से बैठा है पढ़ने के इरादे से तो कोई उसको हटा नहीं सकता है सेलेक्ट होने से। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द बॉन्ड एंगल, इधर देखो बेटा, अरेंज द बॉन्ड एंगल ऑफ, अब ऑक्सीजन फैमिली की बात कर ली उन्होंने, इसको देखो H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, H2TE, मैंने कहा ना सबसे पहले आप जेड निकाल लो, तो जेड निकालोगे तो 6 × 8/2 = 4, यहाँ पर भी 6 + 2 = 8, 8/2 = 4, 6 × 2 = 8, 8/2 = 4, 6 × 2 = 8, 8/2 = 4, उसके बाद आप जैसे ही जेड निकाला वो सेम आ गया, दिमाग भन्ना आ गया एकदम कि ये सेम कैसे आ गया, तो फिर तुरंत क्या निकाला, लोन पेयर, 4 − 2 = 2, 4 − 2 = 2, 4 − 2 = 2, 4 − 2 = 2, अब यहाँ लोन पेयर भी सेम आ गया,
तो z की वैल्यू स्टैटिक नंबर भी सेम आ गई, लोन पेयर भी सेम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे सेंट्रल एटम को देखेंगे। सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, सेंट्रल एटम डिफर कर रहा है। और सेंट्रल एटम अगर डिफर कर रहा होगा तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन दुनिया जानती है, फ्लोरीन के बाद अगर किसी का वर्चस्व है तो वो कौन है, कोई अगर डोमिनेट करता है पूरी पीरियोडिक टेबल में तो वो ऑक्सीजन ही है। तो ऑक्सीजन बहुत बड़ा हो गया, फिर सल्फर, यानी कि बॉन्ड एंगल कुल मिलाकर कैसा जाएगा ऐसा। और अगर आपसे कोई कहे कि सर आपने ये रटवा दिया, फिल कैसे करवाएंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो बॉन्ड पेयर पास में आ जाएंगे तो रिपल करेंगे, दूर जाएंगे, इसीलिए बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, इसका ज़्यादा होगा, इसके बाद घटेगा, इसके बाद घटेगा, घटेगा। हो गया, वो क्या बात है। अच्छा, आप लोगों ने डायरेक्ट वही लिख लिया होगा, समझ रहा हूँ मैं। जो पहली बार लिखा वो बोर्ड पे अच्छा आया होगा, अब जो लिख रहा हूँ थोड़ा सा वो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ये ड्रॉबैक है इस ऑनलाइन क्लास का। नेक्स्ट है कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ, इधर देखने बेटा, कंपेयर, अब थोड़ी सी बुद्धि लगा दो प्लीज़ आप लोग, कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ, ये बी ए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट नहीं है, बॉन्ड एंगल है, कंपेयर द बॉन्ड एंगल ऑफ सी ओ एफ टू एंड सी ओ सी एल टू, कॉफ टू एंड कॉल टू, ठीक है, जस्ट लाइक कॉकटेल, सी ओ एफ टू और सी ओ सी एल टू, ठीक है, इन दोनों का क्या बना दिया, कॉकटेल बना दिया, बता रहा है कि बताओ इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा किसका कम होगा। तो आप लोगों को जो थोड़ा बहुत मुझे आता है मैंने बताया है, तो डायरेक्टली आप लोग क्या निकालोगे, जेड निकालोगे। तो जेड कैसे निकालोगे, सी ओ यहाँ पर भी जेड की वैल्यू हो जाएगी थ्री, यहाँ भी जेड की वैल्यू हो जाएगी थ्री। लोन पेयर कैसे निकालोगे, 3-2 1 और 3-2 1, तो जेड भी सेम, लोन पेयर भी सेम, ठीक है। तो अब कहाँ पे जाओगे, अब जाओगे सेंट्रल एटम को, सेंट्रल एटम भी सेम, तो अब कहाँ जाओगे, सराउंडिंग एटम पे, वेरी गुड। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एंगल उसका उतना ही कम होगा, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या ये ऑर्डर सही होगा, यही सही होगा, सबसे पहले कहाँ गए बेटा, देखो कितना अच्छा आप लोगों ने बोला, मैंने भी सीखा कि सबसे पहले कहाँ गए, हाइब्रिडाइजेशन पे, उसके बाद कहाँ गए, लोन पेयर पे, उसके बाद कहाँ गए, सेंट्रल एटम पे, और वो भी अगर सेम हो गया तो सराउंडिंग एटम पे, इसके बाद कोई रूल नहीं है, ख़त्म सारे रूल, ठीक है। यह है जेई मेन्स 2017 का क्वेश्चन है मेन्स का, ठीक है, कॉफ टू एंड कॉल टू इसका पूछा गया था, ये बना लेना। ओके, इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों के बच्चों, ये ऑक्सीजन, अच्छा इसे, ये एक छोटा सा क्वेश्चन और है, प्लीज आप लोग कर लेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो गई। SOF2 ये सल्फर है, क्या हुआ, कॉल होगा ये,